Welcome to Hibadi Vlog. Hope you all are fine and doing well. Today I am in Kanpur, you all know that. And here I am in my khala house. Another khala, Nimbi khala. So whatever we will be doing here, we will be sharing you. Of course, iftar preparations is going on. And I think Nishi Appi is making biryani for all of us. So let's see. So here guys, Nishi Appi is making biryani for all of us. तो यहाँ पे जैनब पी फ्रूट चाट बना के लाई है हम लोग के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग सब साथ बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं अपने कज़न्स के साथ। और लिटरली यहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे इफ्तारी करके। उन्होंने काफ़ी सारे आइटम्स बनाए थे। दिन आफ्टर इफ्तारी जब हमने प्रे कर लिया, उसके बाद जो है नीशी अप्पी की बिरयानी है जो बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट डे जो कि था अलविदा जुम्मा था। हाई एवरी वन, वेलकम टू हिबदी व्लॉग, अनदर व्लॉग। येस, आई एम इन कानपुर एंड हियर टूडे देर इज अलविदा जुम्मा। सो हैव अलविदा जुम्मा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज हमारे घर पर इफ्तार पार्टी है, तो उसके लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और हम लोग सभी एक रश में हैं क्योंकि लोग अभी आने ही वाले होंगे। और बिरयानी और सारी प्रिपरेशंस चल रही है। मैं आपसे जितना हो सकेगा उतना शेयर करूँगी। आई होप यू विल इन्जॉय इट। आमिर अदीना तैयार होकर नमाज पढ़ के आ चुके हैं। शेयर यू व्हाट इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पानी की बॉटल्स जो हैं सब मेहमान के लिए आ चुकी हैं। और जो बेसिक नीड्स लाइक रायता के लिए वो सब आ चुके हैं। फ्रूट्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे मम्मा और चाची मिल के पकौड़ियाँ बना रही हैं जो कि सच में बहुत टेस्टी बनी जब हम लोगों ने ट्राई किए। और यहाँ पे आता है बेस्ट पार्ट, जो छत में हम लोग शरबत बना रहे थे दादी के साथ मिल के। काफ़ी मज़ा आया और शरबत भी काफ़ी सारा बन गया था। स्टार्टेड है एक ही मुंह सामने डाल लो। एक ही मुंह हाफ काफी, बस अदीप ज्यादा रेड हो रहा है। लेमन जूस और क्या और यहाँ पे हमारा बिरयानी का दीप भी आ चुका है। सच में इसकी स्मेल सुन के ना बहुत भूख लग रही थी। एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट बिरयानी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं रिलेटिव्स और जान पहचान में कि हम सबको अपने घर तो नहीं बुला सकते क्योंकि काफ़ी छोटा पड़ जाएगा एरिया। तो हम लोगों ने सोचा इनको हम नहीं बुला सकते, वी विल डिस्ट्रीब्यूट सम पैकेट्स टू देयर होम। सो यहाँ पे चाची, आमिर, अदीप और मैं मिलके ना पैकेट्स बना रहे थे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ मम्मा सारी चीज़ें फ्राई कर रही थी। और कानपुर में एक ट्रेंड है, कानपुर एंड मौदाहा में बेसिकली, कि यहाँ लोग पापड़ बहुत खाते हैं इफ्तारी में, तो इस वजह से हम लोग पापड़ भी फ्राई कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर आप मेरे व्लॉग देखते तो हम लोग पापड़ खाते नहीं हैं इफ्तारी में। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो है ट्रेंड है कि यहाँ पापड़ चलता है। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आमिर साहब हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज दैट नीचे तो वुमेंस का इफ्तारी होगा और ऊपर जो है वो मेंस का होगा, तो ऊपर भी साथ साथ ना जो है मेंस के लिए प्लेट्स बन रहे थे, तो ऊपर भी हम लोग जा रहे थे हेल्प कराने के लिए। इफ्तारी कैसे हो रहा है? सो गाइज़ यहाँ पे जितनी भी आंटी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कोई मेरी छोटी दादी लगती है, कोई दूर के रिलेटिव लगती हैं, और यहाँ पे सब गपशप कर रहे थे। Enough to say that they have enjoyed a lot. How are you? Actually, I am very tired और इसकी हालत भी बहुत ख़राब है, इसको फीवर है और वॉमिटिंग हो रही है। खैर ये ठीक हो जाएगी जल्द, आप लोग इसके लिए प्रे करिएगा। और आज का जो भी ब्लॉग था वो टोटली इफ्तार पार्टी के बेस पे था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, हेलो बाय।